वो पता चल गया जब की इंडिया की गाड़ी है, तो इसकी प्राइस कितनी हो सकती है इंडिया में? यार इंडिया में तो इसकी प्राइस फिर होनी चाहिए तकरीबन 7-8 करोड़ होनी चाहिए बॉस। इंडिया में 7-8 करोड़ लगता है, कौन सी कंट्री की होगी यार ये? मतलब या तो हो सकता है इंडिया भी हो सकता है, चाइना भी हो सकता है, या उसके बाद टेस्ला आपको पता है बनाता है गाड़ियां, या टाटा बनाता है, तो हो तो किसी की भी सकती है, लेकिन पाकिस्तान की नहीं हो सकती। अगर मैं कहूँ 1 करोड़ से भी नीचे आए? ये तो मजाक कर रहे हैं, 1 करोड़ से भी नीचे आए? नहीं यार, क्या ये तो मजाक है? नहीं मजाक नहीं है यार, ये रियल है। 1 करोड़ से नीचे ही है। 1 करोड़ से भी नीचे आए की प्राइस सिर्फ और सिर्फ 26 लाख है यार। यकीन नहीं होता, यकीन नहीं होता, सही बात है। सीरियस में यार, कोई मान ही नहीं रहा कि इतनी की गाड़ी मिल रही है, सिर्फ और सिर्फ 26 लाख ही है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक, आप सुनाएं? मैं बिल्कुल ठीक। सर नाम आपका? मेरा नाम मोहम्मद शाहजेब है। शाहजेब भाई क्या करते हैं आप? मैं स्टडी करता हूँ। स्टडी करते हैं, दैट्स इट। शाहजेब भाई मैं आज आपको एक गाड़ी दिखाऊंगा, आपने गाड़ी देखने के बाद गेस करना और प्राइस गेस करना है कि इसकी कितनी प्राइस हो सकती है और कौन से कंट्री की हो सकती है, ठीक है? स्टार्ट इट। ये गाड़ी है यार, ये गाड़ी मुझे लग रही है होपफुली या तो अमेरिका की लग रही है या जापान की लग रही है। और सर मैं आपको बता देता हूँ, इस गाड़ी की खूबी ये है कि ऑटो पायलट मोड लगा के ये गाड़ी खुद ब खुद चलेगी, मतलब खुद भी चल सकती है। बिल्कुल यार मजाक कर रहे हैं आप? नहीं मैं सीरियस बात कर रहा हूँ। भी टेक्नोलॉजी को नहीं आई, मजाक तो नहीं हो रहा, मतलब कोई प्रैंक हो रहा है इधर? नहीं नहीं प्रैंक नहीं हो रहा यार, ये रियल है। बस ऐसा नहीं हो सकता यार, यार मजाक कर रहे हैं आप सही में, मतलब कैमरे के आगे मजाक वो भी बता के मजाक यार, ये सब आप मजाक समझ रहे हो? ये तो मतलब ये तो कोई बात ना हो, कैमरे के सामने मजाक कर रहे हैं, खुद ब खुद चलती है, आपको गाड़ी चलाना आता बॉस? मतलब मुझे तो फिर ले लेनी चाहिए बॉस। चलें इसकी प्राइस कितनी हो सकती है आप गेस करें? अगर आप कह रहे हैं कि ऑटो पायलट है तो फिर बॉस 4 से 5 करोड़ मैक्सिमम होनी चाहिए, मिनिमम 4 से 5 करोड़ मिनिमम। ये कौन सी कंपनी की होगी, कौन सी कंट्री की होगी? यार अगर कह रहे हैं ऑटो पायलट तो होपफुली जापान की लग रही है या अमेरिका की कर लें। इन दोनों की नहीं है जो आपने नाम लिया है, दोनों कंट्रीज की नहीं है। फिर कहाँ की है बॉस? गेस करें यार, इतनी किसने तरक्की कर लिया इतनी ज्यादा, मतलब इनकी नहीं है तो आप गेस करें ना, क्या लगता है आपको? चले मैं आपको इतना इजी कर देता हूँ, एशियन कंट्रीज में। एशियन कंट्रीज में यार, एशियन कंट्रीज की अगर आपने बात की है तो मतलब के 100% श्योर है ये हमारे पड़ोसी मुल्क इंडिया नहीं है, उनकी है बॉस। बिल्कुल ये इंडिया की गाड़ी लग रही है, ये महिंद्रा वालों की है। यार इतनी तरक्की कर ली है इंडिया वालों ने यार, और आपको आप क्या कहना चाहेंगे अब इंडिया की? आपने वो पता चल गया जब की इंडिया की गाड़ी है, तो इसकी प्राइस कितनी हो सकती है इंडिया में? यार इंडिया में तो इसकी प्राइस फिर होनी चाहिए तकरीबन 7-8 करोड़ होनी चाहिए बॉस। इंडिया में 7-8 करोड़? आपने आज तक इंडिया की कोई भी गाड़ी देखी हो तो उसकी प्राइस आपको इतनी लगी कि इतनी महंगी इंडिया के अंदर मिल रही हो? मतलब लगी तो नहीं है, लेकिन आप कह रहे हैं कि ऑटो पायलट है तो फिर तो होनी चाहिए बॉस इतनी प्राइस। इतनी नहीं है, चले थोड़ा नीचे आए, 1 करोड़ से नीचे आए 1 करोड़ से भी नीचे आए मजाक कर रहे हैं, 1 करोड़ से भी नीचे आए? नहीं यार, क्या ये तो मजाक है? नहीं मजाक नहीं है यार, ये रियल है। 1 करोड़ से नीचे 1 करोड़ से भी नीचे आए 1 करोड़ से भी नीचे है 1 करोड़ से नीचे कितनी हो सकती है? मैक्सिमम 95 लाख 95 भी नहीं 50 से भी नीचे आए यार 50 से नीचे कितना नीचे आए यार, मतलब ऑटो पायलट गाड़ी इंडिया वालों की, वो यार 50 से नीचे? बिल्कुल 50 से नीचे, उनकी अपनी कंपनी है ना इस वजह से। यार हमारी सिविक कौन सी, ये सिविक आपने देखी है पाकिस्तान में? ये हमारी नहीं है कंपनी यार, हमारी नहीं है पाकिस्तान में, मतलब ये 1 करोड़ से ऊपर है सिंपल। और ये ऑटो पायलट मैं आपको आप अपने दिल में हाथ रखे, मैं प्राइस बताने लगा हूँ आपको, इसकी प्राइस सिर्फ और सिर्फ 26 लाख है यार। यकीन नहीं होता सही बात है। सीरियस में यार, कोई मान ही नहीं रहा कि इतनी की गाड़ी मिल रही है सिर्फ और सिर्फ 26 लाख। ये तो वो क्या कहते हैं लैंड क्रूजर टाइप लग रही है, तो ये आपने मुझे सस्ती गाड़ी दिखाई है, ये लेने के लिए मेरा घर भीग जाना है। ये सस्ती है? नहीं यार ये कहाँ सस्ती है, सस्ती नहीं है। चले आप बताएं इसकी कितनी प्राइस हो सकती है? वही जो चल रही है 1.5 करोड़ रुपए 1.5 करोड़? हाँ 1.5 करोड़ नहीं है, मैं आपको ये बता दूं ये गाड़ी ऑटो पायलट है, इसके अंदर ऑटो पायलट मोड भी है, मतलब सो जो और गाड़ी खुद ही चलती रहेगी। खुद ही चलती रहेगी, ये सही है। पाकिस्तान की है? पाकिस्तान की नहीं है, पाकिस्तान में आपको हो लगता नहीं सकती है? नहीं हो भी नहीं सकती ना ऑटो पायलट मोड, यहाँ पे ऑटो पायलट पे लगेगी तो कोई नीचे से फकीर फकूर उन्होंने जो है ना उड़ा देना है। क्या लगता है कौन सी कंट्री की होगी यार ये? मतलब या तो
हो सकता है इंडिया भी हो सकता है, चाइना भी हो सकता है, या उसके बाद टेस्ला आपको पता है बनाता है गाड़ियां, या टाटा बनाता है, हो तो किसी की भी सकती है, लेकिन पाकिस्तान की नहीं हो सकती। अगर मैं कहूँ कि किसी एक कंट्री का, अगर आपने कहा ना सस्ती है, तो फिर पाकिस्तान की नहीं हो सकती, पाकिस्तान की नहीं है। चले एक कंट्री इसमें से लॉक कर दे, कौन सी आपको लग रही है 100%? यार मेरे ख्याल से उसने एलोन मस्क नहीं बनाई होनी है, फिर बाहर की टेस्ला वालों की। हाँ टेस्ला वालों की होनी है। गलत है ये सर, इंडिया की है, महिंद्रा वालों की। अच्छा महिंद्रा वालों की गाड़ी है वो भी। हाँ गाड़ियां बनाते हैं मतलब कि उनकी है, तो फिर सस्ती होगी, फिर मैं आपकी बात से एग्री करता हूँ। कितनी सस्ती होगी? सस्ती आप बता दें, आप बताएं कितनी आपको लग। यार उनकी गाड़ियां मोस्टली ये मतलब ये तो लग्जरी गाड़ी है ना, ये 20-25 लाख रुपए में होगी, 25-30 लाख रुपए में। एग्जैक्टली एग्जैक्ट आपने इसकी प्राइस बताई है, सिर्फ 25 लाख। पहली दफा तुक्का लगा मेरा सही 25 लाख यार। बाकी ये अच्छी गाड़ी है, और मेरे ये अगर पाकिस्तान में होती है आपको भी पता मुझे भी पता, 2 करोड़ 2 करोड़ से ऊपर ही ऊपर ही, वही ना नीचे होनी नहीं थी, उसके बाद उसका नंबर शंबर डाल डूल के 2.5 करोड़ रुपए की पड़ जानी थी। बिल्कुल यार ये तो मजाक है, 26 लाख की यार हद होती है। मजाक नहीं है, 26 लाख नहीं, ये गाड़ी आई नहीं 26 लाख की। मैं अगर आपको गूगल के अंदर, गूगल को मानते हैं ना आप, गूगल के अंदर मैं आपको दिखाऊं कि इसकी प्राइस सिर्फ 26 लाख है। यार नहीं हो सकता ऐसा 26 लाख की। चले मैं आपको दिखा देता हूं, ये देखें एक मिनट, ये देखो सर। यार ये इंडिया वाले मजाक तो नहीं कर रहे, मतलब कहाँ से लेके आते हैं यार इतना, मतलब कहाँ से इतना सस्ता मटेरियल लेके आते हैं? उनकी अपनी कंपनियां है ना, अपना मैन्युफैक्चर, अपनी कंपनियां। सर मेरा आपको वीडियो दिखाने का मकसद ये था कि हमारे इधर आपने अल्टो गाड़ी देखी है, वो 26 लाख में या 32 लाख में आई थिंक मिल रही है, वो सिर्फ पाकिस्तान में मैन्युफैक्चर हो रही है, कंपनी बाहर की है, हमारे पाकिस्तान की अपनी कंपनी क्यों नहीं अभी तक? यार पाकिस्तान में, यार पाकिस्तान की अपनी हुकूमत नहीं बन रही अभी तक, नहीं बन रही। मतलब 1947 से एक बार जस्ट कोई लीडर आया जिसने 5 साल हुकूमत की है, मतलब जो मतलब कि जिस कंट्री की अपनी 5 साल तक हुकूमत नहीं चल सकती, वो क्या बंदा, वो कंट्री आपको लगता है कि वो गाड़ियां बना सकती है? बॉस ऐसा हो, एशिया एशिया में नंबर 1 पर इंडिया है जो कि अपनी गाड़ियां मैन्युफैक्चर कर रहा है, और बल्कि अपनी गाड़ियां मैन्युफैक्चर करके जैसे हम बाहर की कंट्रीज से गाड़ियां अपनी कंट्री में लाते हैं, इंडिया वाले अपनी गाड़ियां दूसरी कंट्रीज को देते हैं। यही बात है यार, मतलब इतनी ज्यादा तरक्की का हर लिहाज से भाई इंडिया पहले नंबर पे है गाड़ियों की। आपने बताया कि हर वहां पे भी पहले, क्रिकेट में आप बात कर लें, टीम इंडिया इस टाइम बेस्ट टीम बनी हुई है, ठीक है, तीनों रैंकिंग पे नंबर 1 है। ओ भाई चांद पे उन सारा कुछ, वहां आसमान पे पहुंच गए इंडिया वाले, सारा कुछ भाई नंबर 1 पे। और एक हमारे पाकिस्तान को आप देख लें, मतलब कि वहीं का वहीं जहां पे देखा था जब पैदा हुए थे। यार इस मुल्क का कुछ भी नहीं हो सकता, मुझे नहीं लगता कि ये दुनिया पे भी रहेगा, दुनिया में रहेगा मतलब। यार ये बहुत जल्दी मतलब के बढ़ने वाला है, इंशाल्लाह रहेगा। ऐसी बात क्यों करते हैं, इंशाल्लाह रहेगा। बहुत मेरी बात सर, आप चाहेंगे कि हमारे कंट्री के अंदर भी गाड़ियां आनी चाहिए? यार कौन नहीं चाहेगा मुझे ये बताएं, ये चेक करें कि मतलब कि ये गाड़ी अब मतलब आप अपने मुल्क में बन रही हो कितनी सस्ती हो, जो बाहर से गाड़ियां आ रही है भाई उनका रेट चेक कर लें आप। और भाई ये जो ये हमारी कल्टस वगैरह यहाँ पे आ रही है ना जो बाहर से, वो 50 लाख से ऊपर, मैं वही कह रहा हूँ वो 50 लाख से ऊपर है, तो इनकी अगर ये हमारे अपने मुल्क में बन रही हूँ तो भाई फिर लेवल ही ना हो जाए। क्या मैसेज देना चाहेंगे हमारी ऑडियंस को या हमारी गवर्नमेंट को? यार मैं यही कहना चाहूंगा कि जल्द अज जल्द जो वो इसको सेट करें, ठीक है, अपनी गवर्नमेंट को पहले सेट करें, उसके बाद इंडिया वाले कुछ कायदे कानून पे चलें जैसे वो चल रहे हैं, जैसा वो कर रहे हैं, थोड़ा सा उनकी अलाइनमेंट पे आए, वो चेक कर लें। बोस साहब को यह है कि खाली पैसा खाना है, और भाई कुछ लगाओगे तो फिर बाद में खाओगे ना, अभी सारा मंड जाओगे तो क्या करोगे, आगे भी कुछ होता है। चलें सर, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, थैंक यू सो मच। क्या रीजन है, देखें इंडिया डे बाय डे हर चीज में, हर फील्ड में बहुत ज्यादा आगे जा रहा है, दुनिया को भी, दुनिया की बड़ी सुपर पावर्स को बीट करने जा रहा है। हमारा पाकिस्तान अभी तक अपनी कोई कार कंपनी मैन्युफैक्चरिंग नहीं, हमारा नहीं कर सकते, हमारा सियासी मामला इतने बिगड़ चुके हैं कि हम नहीं कर सकते। हम उनको संभालेंगे, अपने मुल्क को देखें, हमारे सियासी मामला की वजह से हमारा मुल्क डाउन है। उसकी वजह यह है कि हमारे यहाँ पे जो सियासतदान है वो ना मुल्क का सोचते हैं ना हमारा सोचते हैं, वो सिर्फ अपना सोचते हैं, जो वजीर आजम बनेगा अगले 5 साल उसकी जेब में पैसे, समझ रहे हो? देखा जाए तो 1947 के बाद दोनों ही कंट्रीज को सेम टाइम मिला तरक्की करने का, तो अब इंडिया बहुत ज्यादा आगे गया, उनकी क्या रीजन बन गई वो आगे? मैं आपको बताता हूँ, इंडिया के अंदर जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है ना, जो उनके सियासतदानों की सोच है, मतलब कि उन्होंने आपको शायद आइडिया, उन्होंने कहा कि यार हमने 2030 तक पता नहीं कितने लाख लोगों को मिलियनेयर बना देना है, बिजनेसमैन बना देना है। बिल्कुल उनका जेन ही बिजनेस की तरफ जाता है,
अब आप वहाँ पे इन्वेस्टमेंट देख लें, लाखों करोड़ों अरबों रुपए की इन्वेस्टमेंट होती है बाहर की। हमारे अगर देखें, हमारे एक कंट्री के अंदर अगर आप स्टडी करते हैं, स्टडी पे अपना बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट करने के बाद भी आपको स्टडी से ज्यादा लगा ले 40 या 50 हजार की, बहुत ज्यादा बता रहे हो, 30-35 हजार रुपए। मैं कहता हूँ यहाँ पे बंदा 14-15 लाख रुपए लगा के 30-35 हजार की नौकरी पे जाता है। इंडिया में देखो आप, वहाँ पे भी नौकरियों का साफ ठीक है सेम है, लेकिन वहाँ पे एक तो सैलरी अच्छी है और दूसरा वहाँ पे वो नौकरी से ज्यादा प्रेफर करते हैं बिजनेस को। उनका शायद आप एक शो देखते हो जो मैं तो बड़े शौक से देखता हूँ, शार्क टैंक नाम किससे है। अगर आपके पास कोई यूनिक आइडिया, आप उनके पास लेके चले जाओ, आपको इन्वेस्टमेंट की जरूरत ही नहीं, वो सारी इन्वेस्टमेंट कर देते हैं। सिर्फ क्या बिजनेसमैन की तरह वो थोड़ा अपना परसेंटेज रखते हैं और चलो जी आपका भी काम हो। हमारे इधर जब कोई टैलेंट हमें नजर आता है तो टैलेंट वेस्ट होता है, टैलेंट को दबा दिया जाता है। नहीं दबा नहीं है, एक तो वेस्ट हो जाता है, दूसरा है वो बाहर चला जाता है, तंग आ गए इस मुल्क से, तंग आ गए इस मुल्क में रहना सर बहुत मुश्किल है। जो स्टैंड हो गया है ना अभी तक, जिन्होंने घपले घुपले करके जमीने जमुने बना के, कुछ अपनी मेहनत पे भी बने, कुछ ज्यादातर घपले बने, ठीक है ना, वो स्टैंड हो गए हुए हैं इस टाइम हमारे पाकिस्तान में। अब बिजनेस जो है ना एक तो ठप हो गए हुए हैं, क्योंकि यहाँ पे इन्वेस्टमेंट नहीं आ रही बाहर से, जो आ रही है, जो शिपिंग आ रही है, जो इंपोर्ट आ रही है, उस पर टैक्स इतना लग गया कि लोग मंगा ही नहीं रहे, ठीक है ना। तो बहुत मुश्किल हो गया मुल्क में रहना और मुल्क में चलाना। इंडिया मैं आपको बताता हूँ, इंडिया जो है ना उसके वो उनका जो तरक्की का बुहरान, काम तो तब से ही चल रहा था, लेकिन जो उनकी तरक्की का टाइम शुरू हुआ ना वो पिछले 15-20 सालों में हुआ है। उसकी वजह ये है कि जब से मोदी उनके आए हैं ना, नरेंद्र मोदी उनके आए हैं, उन्होंने एटमी पावर इंडिया तो पहले ही था, उसके बाद उसने अपनी इकोनॉमी और जीडीपी, इकोनॉमी और जीडीपी पे ध्यान दिया, उसको अप किया। जब आपकी इकोनॉमी इतनी अच्छी होगी, आप किसी भी मतलब इतनी कंट्रीज में से आपको मतलब कि आपको फ्री वीजा मिल जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर दुबई का वीजा लेना इससे इतना मुश्किल है, हमारे पासपोर्ट की वैल्यू नहीं है, 15 महीने हमारे, मैं आपको बता रहा हूँ, हमारे पासपोर्ट की वैल्यू नहीं है। बाहर जो हमारे लोग बैठे हैं वो अपने आपको यकीन करो पाकिस्तानी नहीं कहते, इंडियन कहते हैं, इंडियन कहते हैं। ये मैं फैक्ट वाली बात कर रहा हूँ, ये इसमें कोई, मैं नहीं अपने मुल्क को डिग्रेड नहीं कर रहा, हमने डिग्रेड कर रहे, हमारे सियासतदान कर रहे हैं और हो चुका हुआ है, ठीक है ना। हम लोग यहाँ पर रह रहे हैं, जी रहे हैं, जिस तरह करके मतलब गुजारा हो रहा है बस, लेकिन हमारे मुल्क के बारे में भी हमारे सियासतदानों को सोचना चाहिए, जिस तरह इंडिया ने किया सोचा है, और हमें उनसे सीखना चाहिए। बिल्कुल, चलें सर, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, थैंक यू सो मच।